आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के माननीय राज्यपाल आदरणीय राम नाईक जी, देश के माननीय गृह मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री हरदीप सिंह पुरी जी, राज्य सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, नगर विकास मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, राज्य मंत्री गिरीश चंद यादव जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अनूप चंद पांडे जी, आज के इस समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण, केंद्र और प्रदेश सरकार के सभी प्रशासनिक अधिकारीगण और देश के विभिन्न नगर निकायों से उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित महानुभाव, प्रदेश की राजधानी में देश की तीन महत्वपूर्ण योजनाओं के आज के शुभारंभ कार्यक्रम के अवसर पर, तीन वर्ष के सफलतम कार्यकाल के अवसर पर आयोजित इस समारोह में मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने देश की इन तीन महत्वपूर्ण योजनाओं की तीसरी वर्षगांठ के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ को चुना है। उत्तर प्रदेश की इसमें बड़ी भूमिका हो सकती है, क्योंकि जब हम शहरी आबादी की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में 21% आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास करती है, जो राष्ट्रीय औसत की कम है। राष्ट्रीय औसत हमारा लगभग 31% के आसपास है, लेकिन देश के अंदर सर्वाधिक नगर निकाय 653 नगर निकाय उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। इन सभी नगर निकायों में अनियोजित और अनियंत्रित विकास के लिए एक मार्गदर्शक व्यवस्था की आवश्यकता थी, और हम सब इस बात को कह सकते हैं कि तीन वर्ष पूर्व अमृत योजना, स्मार्ट सिटी योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के शुभारंभ होने के साथ हम इस बात को कह सकते हैं कि विकास की एक नियोजित और व्यवस्थित सोच के अनुरूप इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा करके आने वाले समय में हम अपने शहरी क्षेत्रों में जिन बुनियादी सुविधाओं के लिए आम जनमानस शहरों में निवास करती है उन्हें इन सुविधाओं से लाभान्वित किया जा सकता है। मुझे बताने में कोई संकोच नहीं कि विगत 16 महीनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इन तीन महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाओं को पूरी प्रतिबद्धता के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर लागू करने का प्रयास किया। मुझे याद है आज जो लोग इस बात को कहते हैं कि योजनाओं का कोई लाभ नहीं या योजनाओं पर प्रश्न खड़ा करते हैं, उन लोगों से पूछना चाहिए 2015-16 में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना को उन्होंने लागू करने में पूरी तरह वे लोग विफल थे। उत्तर प्रदेश में मात्र 11,000 प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र में बन पाए थे, जबकि विगत एक वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर 4,32,000 से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना सफलतापूर्वक उन पात्र लाभार्थियों को देने का कार्य हमारी सरकार ने किया। स्वच्छ भारत मिशन, जो वास्तव में इस देश के अंदर एक सशक्त भारत और समर्थ भारत की आधारशिला है,
इस स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में शहरी क्षेत्र में मात्र 35,000 शौचालयों का निर्माण हुआ और विगत एक वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के अंदर 5.5 लाख से अधिक शहरी क्षेत्र में शौचालयों का निर्माण करते हुए इस योजना को 2 अक्टूबर 2018 तक पूरे प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त करने के इस लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर हम लोग अग्रसर हुए हैं। शहरी क्षेत्रों में हम इन नगर निकायों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर सकें, इनकी आय में वृद्धि होना भी बहुत आवश्यक है। इस दिशा में जो प्रयास हुए उसके परिणाम है कि हमारे नगरीय क्षेत्रों में 18% से बढ़कर के 28% इन नगरीय क्षेत्रों की आय में वृद्धि देखने को मिली। आज भी हम सबके सामने जो चुनौतियां होती हैं, खासतौर पर जो शहरी क्षेत्र किस प्रकार से अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पहले चरण में हमारे दो नगर गाजियाबाद और लखनऊ म्युनिसिपल बॉन्ड बहुत शीघ्र जारी करने वाले हैं, जिससे इन क्षेत्रों के विकास को हम एक नया आयाम दे सकते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यह सदैव एक चुनौती बनी रही है। इस संबंध में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अनेक प्रोत्साहन योजनाएं लागू की, प्रदेश के अंदर भी हम इसको लागू कर रहे हैं, लेकिन प्लास्टिक वेस्ट इसमें एक चुनौती बनी हुई थी। 15 जुलाई से हम लोगों ने 50 माइक्रोन से नीचे की प्लास्टिक कैरी बैग को प्रदेश के अंदर प्रतिबंधित किया है और हम सबका लक्ष्य है कि 2 अक्टूबर 2018 से प्रदेश के अंतर्गत हम डिस्पोजेबल प्लास्टिक को, जिसके कारण प्लास्टिक वेस्ट के कारण जगह जगह पर्यावरण को भी, मनुष्य के स्वास्थ्य को भी और स्वच्छता के इस मिशन को भी कहीं ना कहीं आघात पहुंच रहा था, हम उसको प्रदेश के अंदर पूरी तरह प्रतिबंधित करने के लिए और उसके बेहतर विकल्प को भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर देना प्रारंभ किया है। स्मार्ट सिटी और अमृत योजना के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं प्रारंभ हुई, इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को प्रदेश के अंदर लागू करने, 3 शहरों में हमारे सफलतापूर्वक मेट्रो के संचालन हो रहे हैं, 3 नए शहरों में मेट्रो की नई परियोजना बना करके हम लोग उसकी पूरी कार्य योजना तैयार कर चुके हैं। प्रदेश के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम प्रोत्साहित कर सके, इसको हमने प्रोत्साहित करना प्रारंभ किया है तेजी के साथ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इन कार्यक्रमों को हम लोगों ने आगे बढ़ाने की पूरी योजना के साथ हम लोगों ने कार्य अपना प्रारंभ किया है। प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस एक बात पर लगातार जोर देते हैं कि हम लोग प्रदेश के अंदर कैसे इस बात को, ग्रीन हाउस प्रभाव को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, और इस दिशा में खासतौर पर एलईडी स्ट्रीट लाइट को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने 9,65,000 में से 6,35,000 एलईडी स्ट्रीट लाइट प्रदेश के अंदर नगर निकायों के अंदर अब तक सफलतापूर्वक बदल करके इस कार्य योजना को पूरा किया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 6,35,000 एलईडी स्ट्रीट लाइट बदलने पर एक वर्ष के अंदर प्रदेश सरकार को 115 करोड़ रुपए की बचत बिजली के राजस्व के कारण, इन योजनाओं के कारण बचत होने के कार्य, एक नई कार्य योजना हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक लागू किया है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हमारी सभी 10 शहर प्रदेश के अंदर चयनित हुए हैं। इन सभी 10 योजनाओं, 10 शहरों के अंदर एसपीबी का गठन होने के साथ प्रथम 3 चरणों में जो 7 शहरों का चयन हुआ था, उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट की नियुक्ति प्रदेश सरकार के द्वारा पहले की जा चुकी है। 3 जो नगर स्मार्ट सिटी के लिए चयन हुए हैं उनमें पीएमसी चयन की कार्रवाई प्रगति पर आगे बढ़ रही है। आज के इस अवसर पर जब एक साथ इन 3 महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाओं का तीसरी वर्षगांठ के आयोजन में आपने प्रदेश
कि राजधानी लखनऊ को चयन किया है। मैं इस अवसर पर आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश नगरीय क्षेत्रों के व्यवस्थित और एक नियोजित विकास को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। इस विश्वास के साथ एक बार पुनः मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।